नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम एक WhatsApp ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं फॉर रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नेम और स्टेट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8307047431। बिकॉज अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस को और लीनियर अलजेब्रा को सीख पाएंगे, हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए सो लेट्स लर्न टुगेदर। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप मुझे अपना नेम और स्टेट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 5th लेक्चर है। तो एज यूजुअल हम इसमें आज अगेन 5 प्रॉब्लम करेंगे और 2 प्रॉब्लम आपको एज एक्सरसाइज मिलेंगी जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है आपका आईआईटी जेएन 2019 के एग्ज़ाम से, और ये प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज की दिया था। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बी सब स्पेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस आर टू द पावर 100 डिफाइंड बाय। आपके पास दो सब स्पेस गिवन है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हम एक वेक्टर जूम कर लेते हैं। लेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स हंड्रेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। मैंने मान लिया कि वेक्टर है जो डब्ल्यू वन में भी है और डब्ल्यू टू में भी है। इट मीन्स इट इम्प्लाइज एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स हंड्रेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, और अगर वो डब्ल्यू वन में है तो क्या होगा। इट इम्प्लाइज एक्स फोर इक्वल टू एक्स एट इक्वल टू एक्स ट्वेल्व इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू एक्स हंड्रेड। सभी कितने होंगे आपके पास, जीरो होंगे। बिकॉज डबल वन की प्रॉपर्टी क्या है, डबल वन की प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास कोई भी कोऑर्डिनेट जिसका इंडेक्स फोर का मल्टीपल है वो इंडेक्स कितना हो, वो आपका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा। इट मीन्स माई एक्स फोर एक्स एट एक्स ट्वेल्व ऑल आर इक्वल टू जीरो। ऐसे आपका वेक्टर किस में है, डब्ल्यू टू में है। ऑल्सो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स हंड्रेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू सब स्पेस। इट इम्प्लाइज बाई डेफिनेशन एक्स फाइव एक्स टेन एक्स फिफ्टीन अप टू एक्स हंड्रेड ऑल आर इक्वल टू जीरो। बिकॉज डब्ल्यू टू में वो वेक्टर्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट जो फाइव के मल्टीपल्स हैं, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस यहां पे कितने आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर देयर। यहां आपने लिए हैं फोर के मल्टीपल्स अप टू हंड्रेड, तो कितने होंगे यहां पे के पास 25 एलिमेंट्स। 25 कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, 25 एलिमेंट्स आएंगे यहां पे राइट फ्रॉम 4 to 100। आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे यहां पे, 25 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे अगर मैं यहां पे देखता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स फाइव टू एक्स हंड्रेड कितने एलिमेंट होंगे आपके पास, 20 एलिमेंट्स होंगे। 20 एलिमेंट्स बट इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स 20 वो दोनों में आएगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो कितने होंगे, एक्स 20 इक्वल टू एक्स 40 एक्स 60 इक्वल टू एक्स 80 इक्वल टू एक्स हंड्रेड एंड ईच ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। ये आपके जो है दोनों लिस्ट में है, दे आर कॉमन इन बोथ।
how many are these? 5 are there, 5 elements. So overall octopus कितने element हो गए total? 25 plus 20 minus 5. It means this is 40. It implies if x1, x2 up to x100 belongs to W1 intersection W2, it implies उस वेक्टर के ये 40 आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे. आउट ऑफ दीज 100 कोऑर्डिनेट्स फोर्टी विल बी 0. तो 40 के पास कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. तो आपके पास बच्चे कितने? 100 माइनस 40 विच इज 60. इट इंप्लाइज 100 माइनस 40 विच इज 60 कोऑर्डिनेट्स विल बी फ्री. इट इंप्लाइज डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 डायमेंशन कितने जगह पास 60 आ जाएगी. इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60. तो एक ऐसा इजी सा क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा गया था IIT JEE 2019 के एग्जाम से. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. ये प्रॉब्लम भी हमने आपको एज एक्सरसाइज दी थी लास्ट वीडियो में. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. ये प्रॉब्लम भी अगेन आपका IIT JEE 2019 से है. प्रॉब्लम क्या है? द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स 1, 2, 4, 3. ओके, तो पूछा है कि इसमें से किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज नहीं है इक्वल 1, 2, 4 मैट्रिक्स के. तो पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो 1, 2, 4, 3 सपोज मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज P मान लेते हैं. तो लेट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ P. सो इट इंप्लाइज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू रेशो मैट्रिक्स वो कितना होगा? 3 प्लस 1 यानी कि 4. आल्सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैल्यू कितनी होगी आपके पास? विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वो कितना होगा आपके पास? 3 माइनस 8 विच इज -5. तो आपके पास दो कंडीशन आ गई, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 4, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 4 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू -5. तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, कंडीशन आ गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 के ऊपर. अब अगर मैं पहले को चेक करता हूँ तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा? ट्रेस कितना यहाँ पे? 4 है. ट्रेस 4, डिटरमिनेंट कितना आपके पास? अगेन 3 माइनस 8 विच इज -5. तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो कितने होंगे? सेम होंगी जो मैट्रिक्स पी की थी. तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. मुझे वो चाहिए जो इसकी आइगन वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसको तो इक्वल आ जाएंगी. अब यहाँ पे ट्रेस कितना बनेगा आपके पास? ट्रेस इज अगेन 4 फॉर दिस मैट्रिक्स, ट्रेस अगेन 4, डिटरमिनेंट कितना बनेगा आपके पास? अगेन इक्वल्स टू 3 माइनस 8 विच इज -5. तो अगेन आपके पास जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी इसकी विच विल बी सेम एज दैट ऑफ पी. तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. इस मैट्रिक्स में आपका टेस्ट कितना बनेगा? टेस्ट अगेन 4 एंड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3 माइनस 8 विच इज -5. तो अगेन आपके जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो किसके इक्वल होंगी? पी की इक्वल होंगी. तो दिस अगेन रॉन्ग ऑप्शन. अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो ट्रेस कितना बनेगा यहाँ पे?
एस इक्वल्स टू फोर प्लस टू विच इज सिक्स। तो यहाँ पर टेस्ट कितना बन रहा है, फोर बन रहा है, यहाँ पर टेस्ट कितना बन रहा है, सिक्स बन रहा है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट कितना बना आपके पास, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एट माइनस थ्री विच इज फाइव। तो इसकी जो अगर वैल्यूज मिलेंगी आपकी डिफरेंट होंगी फ्रॉम दैट ऑफ मैट्रिक्स पी, तो माई ऑप्शन डी इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। तो मैट्रिक्स डी के आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी फ्रॉम मैट्रिक्स पी, सो माय ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक इजी सा क्वेश्चन था आपका आईआईटी जेएम 2019 से। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इस वीडियो की थर्ड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम अगेन हमने आपका आईआईटी जेएम 2019 से लिया है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लेट एस एंड टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ सच दैट एस ऑफ टी ऑफ वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, देन विच ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो गिवन क्या आपके पास, एस ऑफ T of V equal to zero for every V belongs to capital V, और S और V आपके पास क्या है, linear map है, S और T आपके पास linear map है from V vector space V to V। okay, अब ये कंडीशन क्या बता रही है, range of T is subset of null space of S। ये कंडीशन कोई चीज बता रही है कि रेंज ऑफ T इज सबसेट ऑफ null स्पेस ऑफ S। इट इंप्लाइज रैंक ऑफ T, इट इंप्लाइज रैंक ऑफ T will be less than equals to nullity of S, nullity of S। आपके पास ये चीज आ जाएगी, आपकी जो rank of T है it will be less than equal to nullity of S। आपके पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, rank of T less than equal to nullity of S which is option C। आपके पास ऑप्शन जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। Now what about other options, देखिए मान लेते आपके पास V के फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, लेट डायमेंशंस ऑफ V इक्वल्स टू से n, देन फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू n, एंड ऑल्सो रैंक ऑफ S and also rank of S plus nullity of S will be equals to n। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ से आपका rank of T कितना आ जाएगा, it will be n minus nullity of T। तो यहाँ put कर देते हैं इस चीज को, it implies this is n minus nullity of T, nullity of T less than equals to, now nullity of T is equal to n minus rank of S, nullity of S equals to n minus rank of S, this is n minus rank of S, n से n cancel out हो जाएगा, it implies minus nullity of T will be less than equals to minus rank of S, तो यहां से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो आपकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इट इंप्लाइज नलिटी ऑफ T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नलिटी ऑफ T विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ S, रैंक ऑफ S। आपके पास सेकेंड
स्टेटमेंट आ गया, और ये क्या है आपके पास, ऑप्शन डी, रैंक ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, तो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन ए एंड बी, क्या ऑप्शन ए और बी आपके ट्रू हैं? आंसर इज नो, ऑप्शन ए और बी आपके ट्रू नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑप्शन ए के लिए लेट मेरा जो टी मैप है, दिस इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और टी मेरे पास कैसा मैप है, जीरो मैप है, आइडेंटिकली जीरो मैप है, और एक मैप लेता हूं एस, एस विच इज फ्रॉम अगेन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, एस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स जीरो, देन एस ऑफ एस ऑफ टी वी, एस ऑफ टी वी एस ऑफ दिस इज टी ऑफ जीरो जीरो एंड दिस अगेन जीरो जीरो, तो आपकी जो गिवन कंडीशन वो भी सेटिस्फाइड होगी. बट यहां आपकी नलिटी कितनी बनेगी, आपके पास नलिटी ऑफ एस विल बी वन एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इसकी रेंज कितना है, टी की रेंज कितनी बनेगी आपके पास, जीरो सबस्पेस बनेगा, सो रैंक ऑफ टी जीरो बट नलिटी ऑफ एस इज वन, सो माई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, सो माई ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं क्या आपका ऑप्शन जो बी है वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा. आप इजिली इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्जाम्पल, जो हमने जैसे हमने एग्जाम्पल ए में प्रूव किया है. तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा कितना होगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 25 ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, ये हमने प्रॉब्लम लिया है आपका आईआईटी जेम स्टेटिस्टिक्स 2018 के एग्जाम से. प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लेट एम बी ए 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स, इफ आई इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, एम इज इन्वर्टिबल, द मैट्रिक्स आई प्लस एम इज इन्वर्टिबल and there exists a non-zero scalar, non-zero real number alpha such that alpha I plus m is not invertible and d, all the eigenvalues of m are real. So, कैसे करेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि m आपका invertible होगा, is m invertible? Answer is no. Why? इसका आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इफ एम इज एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन Eigen values of M are zero or purely imaginary. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बस उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, या तो वो जीरो होंगी या फिर क्या होंगी, प्योरली इमेजिनरी होंगी. अब देखिए कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन किया आपके मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है, माय एम इज 3x3 मैट्रिक्स
दैट इम्प्लाइज इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी कितने ऑर्डर की होगी, थ्री ऑर्डर की होगी, इट इम्प्लाइज सी ऑफ लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स एम इज ऑफ ऑर्डर थ्री, यानी कि क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी ऑफ ऑर्डर थ्री एंड वी नो, और हम जानते हैं वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, आपके पास एटलीस्ट एक रूट आएगा, रियल आएगा आपके पास, इस केस में आपके पास एक एटलीस्ट क्या होगा, रूट रियल होगा, इट इंप्लाइज सी लैम्डा हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, बट रियल रूट के पास ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो, क्योंकि मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, बट अगर आपका रूट रियल भी है, इट इज ऑल्सो रियल, सो इट इम्प्लाइज हैज टू बी जीरो, सो इट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू जीरो इज द ओनली रियल रूट, और अगर वो लैम्डा इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का रूट हो गया, इट इम्प्लाइज माई मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल. Now what about option B? The matrix I plus M is invertible. देखिए इसके लिए क्या करेंगे, I plus M के लिए एक हम function define करते हैं, polynomial x plus 1. मुझे पता है कि f of M matrix क्या बनेगा के पास, M plus I. And if lambda is eigenvalue of M, it implies f of lambda is eigenvalue of f of M, which is equals to M plus I. But f of lambda kitna banega pass? Lambda plus 1, so it implies lambda plus 1 is eigenvalue of m plus i. अब मुझे चेक करना है कि मैट्रिक्स m plus i इन्वर्टेबल है या नहीं, तो इफ m plus i इज नॉट इन्वर्टेबल तो अगर इन्वर्टेबल नहीं है, इट इम्प्लाइज जीरो मस्ट बी द आइगन वैल्यू, इट इम्प्लाइज वन प्लस लैम्डा मस्ट बी जीरो, इट इम्प्लाइज लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस वन, बट इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एम एंड एम हैज ओनली जीरो एंड प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज, सो इट इम्प्लाइज मैट्रिक्स एम प्लस आई इज इन्वर्टिबल. सो माई ऑप्शन बी इज करेक्ट, माई ऑप्शन बी इज करेक्ट. बट ऑप्शन सी, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा सच दैट अल्फा आई प्लस एम इज नॉट इन्वर्टिबल. जैसे हमने ऑप्शन बी किया है एग्जैक्टली हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम पॉलीनोमियल क्या मान लेंगे, माई एफ एक्स विल बी एक्स प्लस लैम्डा, तो सेम लॉजिक से हम इसको बोलेंगे आपके पास माई एफ एक्स इज इन दिस केस इज एक्स प्लस लैम्डा, इट इम्प्लाइज माई एफ ऑफ एम विल बी इक्वल्स टू एम प्लस लैम्डा आई, इसकी अगेन वैल्यू क्या बनेंगी एफ ऑफ एम की,
it implies lambda plus alpha is eigenvalue of f of m, which is equals to m plus alpha I. तो क्या इसके अगेन वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है एफ ऑफ एम की? तो इफ लैम्डा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, सो इट इंप्लाइज माय लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा. और आपको गिवन क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा इज रियल, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में आपका फिर लैम्डा क्या बन जाएगा, नॉन जीरो रियल नंबर बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लैम्डा इज eigen value of skew symmetric matrix. So only option for lambda is either it will be zero or it will be purely imaginary. It implies my matrix f of m is actually invertible. It implies f of m equal to m plus alpha I, where alpha I belongs to real number and alpha is not equal to zero, is invertible. मैट्रिक्स को क्या होगी, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी. तो माय ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, बोला नॉट इन्वर्टिबल, सो माय ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज ऑल दिस मैट्रिक्स आर एक्चुअली इन्वर्टिबल. हाँ, व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल. अब ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है. कैसे, आप इसको एग्जाम्पल से करेंगे, इज अगेन रॉन्ग. एग्जाम्पल जैसे मैट्रिक्स बना लेते हैं, लेट माई एम इक्वल्स टू 0 0 1 0 0 1 -1 -1 एंड 0. तो ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जब इसके अगेन कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सी लैम्डा ऑफ एम इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस वन. आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस वन क्या आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी. नाउ इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा इक्वल्स टू माइनस प्लस आयोटा. सो नॉट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल, तो माई ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यह क्वेश्चन था आई टी जैम स्टेटिस्टिक्स 2018 का, और एक क्वेश्चन का बेस था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, या तो वो जीरो होंगी या फिर क्या होंगी, प्योरली इमेजिनरी होंगी. इसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5. जो कि सीरीज का प्रॉब्लम 26 है. तो प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट एम आपके एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, उसमें आपके तीन कॉलम दे रखे हैं उसने, कॉलम एक्स वाई एंड जेड, बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच दैट एक्स वाई जेड इज ऑल वेक्टर्स इन आर क्यूब. देन अब उन्होंने एक मैट्रिक्स क्यू डिफाइन कर दी, मैट्रिक्स क्यू इज 3x3 मैट्रिक्स. देन विच वन इज द ट्रू ऑप्शन, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यू सेटिस्फाइड क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू, एंड ऑप्शन डी क्यू जेड इक्वल टू जेड. तो देखिए कैसे करेंगे इसे. सबसे पहले तो हम चेक करते हैं क्या क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. उसके लिए क्या करते हैं, लेट एम को मान लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मैंने मान एम को मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज माय एक्स, दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई एंड दिस इज माई जेड. ओके, अब मैट्रिक्स क्यू निकालते हैं. वट इज मैट्रिक्स क्यू, मैट्रिक्स क्यू इज एक्स इंटू एक्स का ट्रांसपोज, माई एक्स इज दिस
1 0 0, ट्रांसपोज करेंगे तो रो में बदल जाएगी, इट विल बी 1 0 0 प्लस y, y मीन्स 0 1 0 एज अ कॉलम, ट्रांसपोज अगेन रो में बदल जाएगी, इट विल बी 0 1 0। नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, इट विल बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 प्लस विल बी 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा यहां पे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0, इज माय मैट्रिक्स क्यू। ओके, अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए क्या था, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये आपके जो मैट्रिक्स मिली है क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आंसर इज नो, बिकॉज इसके जो डायगनल एलिमेंट हैं वो क्या आपके पास नॉन जीरो, आपके पास जो डायगनल एलिमेंट हो क्या है नॉन जीरो है, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो माई ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सो माई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, क्यू इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज अगेन रॉन्ग बिकॉज माई मैट्रिक्स Q इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू Y3, सो माई ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग बाई सेम एग्जाम्पल। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू, इसको चेक करते हैं क्या आएगा, क्यू स्क्वायर वट हाउस क्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू के पास क्या है, x इंटू x का ट्रांसपोज प्लस y इंटू y का ट्रांसपोज, इसका स्क्वायर करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू x x का ट्रांसपोज प्लस y इंटू y का ट्रांसपोज इंटू में x x का ट्रांसपोज प्लस y इंटू y का ट्रांसपोज। सिंप्लीफाई करते हैं मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ से, इट विल बी इक्वल टू x x का ट्रांसपोज इंटू में x x का ट्रांसपोज प्लस x x का ट्रांसपोज y y का ट्रांसपोज प्लस y y का ट्रांसपोज इंटू में x x का ट्रांसपोज प्लस y y का ट्रांसपोज इंटू में y y का ट्रांसपोज इंटू में y y का ट्रांसपोज। तो ये आपका पास मिल गया। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए माई मैट्रिक्स Q, मैट्रिक्स M विच इज X, Y, Z इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल लेते हैं उसके जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इट मीन्स आपके पास एक्स वाई इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जीरो विच इज अगेन एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई इज अगेन जीरो। जो मैं प्रॉपर्टी लगाई आपके पास जो कॉलम्स हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो वाई का ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जीरो या फिर एक्स का ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे, तो दिस वैल्यू जीरो, दिस इज जस्ट जीरो बिकॉज एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर वेक्टर, सो दिस वैल्यू जीरो, सो दिस मैट्रिक्स विल बी जीरो। अगेन एक्स आर ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू जीरो बिकॉज अगेन एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर, सो दिस मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स एक्स का ट्रांसपोज x x का ट्रांसपोज प्लस y y का ट्रांसपोज इंटू में y y का ट्रांसपोज, ये मुझे मिल गया q स्क्वायर। नाउ अब आपके मैट्रिक्स m क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो हर एक वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1 होगा, सो इट इंप्लाइज x इंटू में x का ट्रांसपोज विल बी 1 विल बी इक्वल टू x का ट्रांसपोज इंटू में x, ये सभी वैल्यू कितनी आएगी, पास 1 आएगी,
बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो वेक्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड वन होता है, दे आर यूनिट वेक्टर्स होते हैं. तो इट इंप्लाइज दिस वैल्यू इज वन, दिस वैल्यू इज जस्ट वन. सिमिलरली दिस वैल्यू इज अगेन वन बिकॉज वाई आपका वैक्टर कैसा है, यूनिट वैक्टर है. सो इट इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स का ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई का ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू. सो इट इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्चुअली इक्वल टू क्यू. इट इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू. तो माई ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो माई ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्यू सेटिस्फाइड क्यू जेड इक्वल्स टू जेड, इज इट ट्रू कि क्यू जेड इक्वल टू जेड? देखिए चेक करते हैं, क्यू जेड इक्वल निकालते हैं, क्योंकि पास क्या था एक्स, एक्स का ट्रांसपोज प्लस वाई, वाई का ट्रांसपोज इंटू जेड. दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स का ट्रांसपोज इंटू में जेड प्लस वाई, वाई का ट्रांसपोज इंटू में जेड. अभी आपका वेक्टर एक्स और जेड क्या है, परपेंडिकुलर हैं. सो इट इंप्लाइज दिस इक्वल टू जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. एक्स एंड जेड आर परपेंडिकुलर, सिमिलरली वाई एंड जेड आर परपेंडिकुलर. सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू एक्स इंटू में जीरो प्लस वाई इंटू में जीरो, दिस विल बी जीरो प्लस जीरो, इट विल बी जीरो. सो क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो. इट इंप्लाइज माई क्यू जेड is equal to actually zero column, but my z is not equal to zero because z ka magnitude kitna hai, one hai. So it implies z cannot be zero. So it implies qz is not equal to z. So my option d is also wrong. My first ek option true hai, which is q square equals to q. तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करिए. प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे ऑर्थोगोनल होंगे. और सेकंड, हर एक कॉलम का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, वन होगा. तो हमने सिर्फ यहाँ पे यही दो प्रॉपर्टी यूज़ की इस क्वेश्चन के अंदर. तो ये आपका क्वेश्चन था 26 ऑफ दिस सीरीज. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका दो एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज फर्स्ट है और एक आपके एक्सरसाइज सेकंड है. एक्सरसाइज फर्स्ट को मैंने लिया आपका आईआईटी जेम स्टैटिस्टिक्स 2018 के एग्जाम से. आपके पास ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो आपको ये ट्राई करना है. आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आप कमिट कर सकते हैं. और एक्सरसाइज सेकेंड है आपके पास है, और इसको मैंने लिया है आपका आईआईटी जेएम 2019 के एग्जाम से. ये आपका एक्सरसाइज सेकंड है. तो आपके पास ये दो एक्सरसाइज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज बिना ट्राई करे तो आपको लीनियर अलजेब्रा आएगा नहीं. तो अगर आपको लीनियर अलजेब्रा सीखना है तो वी हैव टू डू प्रॉब्लम्स. तो ये आपको एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज टू, और ये दोनों ही प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी लीनियर अलजेब्रा की उसमें हम डिस्कस करेंगे. दिस माय एक्सरसाइज टू एंड दिस माई एक्सरसाइज वन. तो आप इन दोनों एक्सरसाइज को कर सकते हैं ट्राई. इस वीडियो में इतना ही. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे.